गुड मॉर्निंग, मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, मॉर्निंग ओरल में मैंने आपको पढ़ा दिया था चैप्टर 38 तक, और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 39। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैं इसका वीडियो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका वीडियो दे दूंगी, और आप लोग इसको वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन ले लेना और उसके बाद इसको राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 39 है कॉम्प्लीमेंट फॉर मेल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट स्टडी किया था। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। मेल का मतलब अगर कोई जेंट्स है, ठीक है, तो जेंट्स को फॉर्मल में और इनफॉर्मल में आप कॉम्प्लीमेंट क्या देंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की अभी हम बात करें तो अभी बेटा हम लोग ये जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, हम उनके लुक पर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यदि आपके पापा जो है वो रेडी होते हैं ऑफिस जाने के लिए और देखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आप लोग उनको कॉम्प्लीमेंट दोगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ करनी चाहिए। कोई चीज अच्छा दिखता है, कोई काम अच्छा दिखता है, कोई या फिर कोई कहीं आप देखने जा रहे हैं, नेचर देखने जा रहे हैं, मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं और झील झरने जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है, तो उन चीजों की हम तारीफ करते हैं। तो तारीफ करने को ही बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट आप अपने बड़ों को दे सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में आप इन कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफॉर्मल कॉम्प्लीमेंट होता है जो आप केवल अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बड़ों के साथ स्कूल कॉलेज ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो फॉर्मल होता है उस कॉम्प्लीमेंट को आप दोनों जगह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वाले को आप फॉर्मल वाले जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मेल को अगर हमको कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है ना, मेल यानी कि जेंट्स को, मतलब हमारे पापा को, भैया को अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम कैसे देंगे? हम बोलेंगे पापा यू आर लुकिंग गुड, ठीक है। पहला हुआ यू आर लुकिंग गुड, ऐसे दे सकते हैं। पापा यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग हैंडसम, ठीक है, ये सारे मेल के कॉम्प्लीमेंट है। यू आर लुकिंग डैशिंग, डैशिंग का मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि हैंडसम दिख रहे हैं, हैंडसम से थोड़ा और अच्छे दिख रहे हैं तो बोलेंगे डैशिंग, ठीक है। यू आर लुकिंग चार्मिंग, बहुत ही प्यारे प्यारे प्यार से आप दिख रहे हैं इस कपड़े में, जैसे शादी वादी में जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि पापा यू आर लुकिंग चार्मिंग, है ना, बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। या यू आर लुकिंग स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप, तो यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू आर लुकिंग ऑसम। तो बच्चों, इतने सारे हमारे पास वर्ड हैं, गुड, स्मार्ट, नाइस, हैंडसम, डैशिंग, चार्मिंग, स्टनिंग, ऑसम, इसमें से हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जेंट्स के लिए, यानी कि भाई के लिए, पापा के लिए कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट आपने दिया तो रिस्पॉन्स, यदि आपके भैया हैं तो वो क्या रिस्पॉन्स देंगे? रिस्पॉन्स में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए। उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपकी तारीफ की है, तो कुछ तो बोलेंगे आप भी, तो हम वही बोल सकते हैं थैंक यू, ठीक है, ये सबसे कॉमन चीज़ है, हम थैंक यू बोल दें, या फिर आई एम फ्लैटर्ड, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, या फिर आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं, जैसे उन्होंने भी आपको बहुत अच्छा दिया कि यू आर लुकिंग डैशिंग, है ना, अच्छा सा मिला है आपको कॉमेंट, या यू आर लुकिंग स्टनिंग, एक अच्छा कॉमेंट मिला है, तो आप बोल सकते हैं यू हैव मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और रिस्पॉन्स मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब बच्चों है कॉम्प्लीमेंट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस जो होता है, जैसे आपने जो रियलिटी शो चलते हैं, उसमें रियलिटी शो चलते हैं टीवी में, आपने देखा होगा, वॉच किया होगा, तो वहां पर डांसिंग का चल रहा है, चाहे सिंगिंग का चल रहा है, तो वहां जो जज बैठे होते हैं वो बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा सामने परफॉर्मेंस दे रहा है, सिंगिंग का परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देख करके जो जज हैं वो किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है योर परफॉर्मेंस इज गुड, ठीक है, मतलब ठीक ठाक, अच्छा है, तो योर परफॉर्मेंस इज गुड, या फिर योर परफॉर्मेंस इज एक्सेलेंट, तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेलेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं केवल वर्ड बोल रही हूँ, आप गुड को दे सकते हैं एक्सेलेंट, फैंटेस्टिक, या फिर ग्रेट, है ना, मतलब बहुत। अब देखिए, धीरे धीरे समझ लीजिए कि तारीफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छे पे जाता जा रहा है, ठीक है। या फैब्यूलस, शानदार परफॉर्मेंस, फैब्यूलस, परफेक्ट, बढ़िया था, वंडरफुल, इतना बढ़िया तुमने किया, एकदम आश्चर्यजनक, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा किया, ठीक है, ब्रिलियंट, ऐसे बोल सकते हैं। या बोलेंगे रॉकिंग, मतलब तुमने तो एकदम, कहते हैं ना, स्टेज फाड़ दिया, रॉकिंग परफॉर्मेंस। या सुपर, है ना, योर परफॉर्मेंस वॉज सुपर, तुम्हारा परफॉर्मेंस सुपर था। या फिर आउटस्टैंडिंग, ओके, या मेमोरेबल, ऐसा परफॉर्मेंस है जिसको भूला नहीं जा सकता। या फिर मॉवेलस, ठीक है, मॉवेलस बोल सकते हैं, ऑसम बोल सकते हैं, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, योर परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबल,
इम्प्रेसिव, एकदम इम्प्रेस करने वाला था, या स्टनिंग मतलब बहुत ही, कहते हैं जैसे वर्ड बोलते हैं झक्कास, है ना, कि बहुत शानदार, मतलब पूरा उसमें कहीं भी कुछ भी त्रुटि ना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टनिंग। ओके, तो इतने सारे वर्ड है बच्चों, ये होता है वर्ड परफॉर्मेंस के लिए, गुड, एक्सलेंट, फैंटेस्टिक, ग्रेट, फैबुलस, परफेक्ट, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, ब्रिलियंट, रॉकिंग, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, मेमोरेबल, मॉवेलस, ऑसम, इनक्रेडिबल, इम्प्रेसिव, स्टनिंग। ओके, और जो सामने जो बच्चे रहते हैं जिनको ये मिलता है कॉम्प्लीमेंट, जिनको मिल रहा है उनके परफॉर्मेंस पे, जनरली आप देखते होंगे वो बराबर थैंक यू ही बोलते जाते हैं ना, किसी ने कुछ अच्छा लाइन बोला वो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, है ना, थैंक यू बोलते हैं। तो ये थैंक यू हमको रिस्पॉन्स जरूर देना है, सामने वाला जब भी हमारी तारीफ करता है, चाहे किसी भी चीज़ की तारीफ करता हो, चाहे हमारे काम की तारीफ करता हो, चाहे हमारे लुक की तारीफ करता हो, तो ये बनता है कि हम भी बदले में उनको धन्यवाद बोलें। तो आपके लिए सबसे कॉमन होता है हमको रिस्पॉन्स देने में थैंक यू। तो बच्चों ये रहा हमारा चैप्टर 39, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 40। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये तो हमारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको इसका रिटेन दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो पॉज करना है और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के लिखने का काम करना है, स्वयं वीडियो को पॉज करो बच्चों। अब यहां से ही आप लोगों को रिटेन वर्क करना है, इतना हो गया, वीडियो को पॉज करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। अब हम देखेंगे आगे का, ये ओके बच्चों, डन। अब हमारा ओके बच्चों, और ये हमारा चैप्टर क्या है बच्चों, ये हमारा चैप्टर है 39। एक बात और बच्चों, ये यहाँ पर जो देखिए हमने पढ़ा था चैप्टर 33, तो चैप्टर 33 बच्चों देखो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और ये करते करते ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 33 में पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने चैप्टर 34 यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हमारा यहाँ से चैप्टर 34 स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से धन्यवाद जहाँ लिखा हुआ है ना, ये थैंक यू वाला टॉपिक हमारा चैप्टर 34 है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसको भी आप लोग चैप्टर 34 इसको मेंशन कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर 34 में, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमारा चैप्टर 35 स्टार्ट हुआ था एक्सक्यूज मी से। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।